अस्सलामुअलैकुम एडवाइज एसोसिएट के यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ ईशा खान। आज मैं मौजूद हूँ मेन जीटी रोड पर बहरिया फेज 126 की एंट्रेंस पर मौजूद गैलेक्सी मॉल की लोकेशन पर, और आज हम गैलेक्सी मॉल के तरक्याती कामों और इसकी लोकेशन के बारे में हमारे क्लाइंट्स को आगाह करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शहजाद साहब, जो हमें गैलेक्सी मॉल के तरक्याती कामों की अपडेट्स देंगे और इसकी लोकेशन के बारे में हमें आगाह करेंगे। तो सर, जैसे कि ये माना जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट, खसूसन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की कि जो लोकेशंस होती हैं वही उसकी कामयाबी का ज़मीन होती हैं, तो आज हमारे गैलेक्सी मॉल की जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन के बारे में शहजाद साहब थोड़ा सा हमें नाज़रीन को जो है वो क्लियर कीजिएगा कि इसकी लोकेशन किस जगह पर ये वाक़या है और ये कैसा प्रोजेक्ट है। जी, इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन जो है बहरिया जीटी रोड के ऊपर ये मौजूद है प्रोजेक्ट, जिस जगह अभी आप देख रहे हैं हम लोग ये खड़े हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसकी लोकेशन के बारे में यही कह सकते हैं कि इस तरह की लोकेशन का मैं नहीं समझता कि इस पूरे जो है जीटी रोड के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट इस वक्त जो है वो एग्जिस्टिंग करता है। जो प्रोजेक्ट इस तरह का हो कि जिस तरह का ये गैलेक्सी मॉल बनने जा रहा है या बन रहा है, उसकी जो तरक्याती कामों के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो इसकी लोकेशन बहरिया फेज़ 126 की है, बिल्कुल एंट्रेंस के साथ कॉर्नर का ये 14 कनाल का प्लॉट है जिसके ऊपर इसकी लोकेशन ये मौजूद है। प्राइम लोकेशन है जीटी रोड के ऊपर बहरिया फेज़ 126 की एंट्रेंस के कॉर्नर के ऊपर। काइंडली ये आगाह कीजिएगा कि ये जो कमर्शियल हमारा गैलेक्सी मॉल का प्रोजेक्ट है ये कितने मंजिला इमारत है और इसमें कमर्शियल शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, या फिर किस किस्म की जो है इसमें जो है वो रेंटल के हिसाब से या किसी भी मामला के हिसाब से जो है इसमें प्रोजेक्ट्स की जो शॉप्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो ये इसके बारे में आगाह कीजिएगा। फ्लोर्स की बात करें तो सबसे नीचे वाले जो दो फ्लोर्स हैं वो मुश्तमिल होंगे कार पार्किंग के ऊपर, और उसके ऊपर वाला जो बेसमेंट है उस पर कैश एंड कैरी जो है वो होगा इसे इधर, और उसके बाद जो इसकी लोअर ग्राउंड फ्लोर है, मेज़नाइन है, फर्स्ट फ्लोर है, उसमें सारी कमर्शियल शॉप्स होंगी। उसके बाद जो अगर बात करें हम तो उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट्स होंगे, फिर थर्ड फ्लोर के ऊपर हमारा जो ऑफिस शुरू हो रहे हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं जिसको corporate. हमने जो है ट्रेडिशनल आउटलेट का नाम दिया है, उसके पीछे जो टेरेस के लिए काफ़ी जगह है जो बहुत अच्छी लोकेशन इस पूरे प्रोजेक्ट में गिनी जा रही है, वो थर्ड फ्लोर है जी. और थर्ड फ्लोर से ऑन गोइंग अगर फोर्थ, फाइव और थर्टीन फ्लोर तक हम बात करें तो सारे कॉर्पोरेट ऑफिस मौजूद हैं इस बिल्डिंग में। सही। और अगर आपने इस तरह अभी रेंटल की बात की है, तो हम थर्ड फ्लोर के ऊपर रेंटल की भी हम जो है वो ऑफर्स कर रहे हैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको, कि अगर आप फुल पे करते हैं तो उसके ऊपर हम आपको रेंटल की भी ऑफर करते हैं। ठीक, मतलब इस पूरे मॉल में जो आप, मैंने रेंटल की बात की, यहाँ पे रेंट पे भी जो है शॉप्स वगैरह जो है वो ऑप्शन परचेज कर सकते हैं उसका प्लॉट। रेंटल जो है रेंट के ऊपर जो अभी ऑलरेडी शॉप्स वगैरह हैं नीचे, या अगर कैश एंड कैरी के लिए कुछ लोग लेना चाहें तो उसके ऊपर हम उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो लोग हैं जो खरीद रहे हैं सिर्फ रेंट के लिए, तो जैसे ये इसका जो है वो पोजेशन हैंड ओवर होगा तो हम उसको रेंट के लिए आगे ऑफर कर सकेंगे। जी, तो शहजाद साहब एक और जो है ना वो सवाल बड़ा ही प्रोमिनेंट है कि जो गैलेक्सी मॉल का प्रोजेक्ट है ये क्या ये इसके एग्जैक्ट टाइम पर इसको डिलीवर कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हम इस तरह बात करें तो हम सबसे पहले फिर डेवलपर पे आएंगे, जो केपीजी इसका डेवलपर है, तो उसके हम पिछले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी अगर बात करें उसमें ये बिल्कुल, अगर हम आपको ये स्क्रीन पर दिखा सकेंगे कि ये बिल्कुल साथ हमारे राइट हैंड पे आप देख रही हैं ये जो बिल्डिंग बनी हुई है 5 मंजिला ऊपर है, नीचे इसमें लोअर बेस है, बेसमेंट है और ग्राउंड फ्लोर है इसका, तो ये सारी बिल्डिंग अभी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका जो है टाइम जो है इसका वो तकरीबन जून 2023 का है कंप्लीशन का, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे ये बहुत स्पीड के साथ सारा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, उसके बाद अब इसके अंदर जो इंटरनली इसकी जो है वो सारा काम जारी है, तो ये अपने बिल्कुल टाइम से पहले डिलीवर किया जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसकी जिधर हम मौजूद हैं गैलेक्सी मॉल का प्रोजेक्ट मॉल की बात करें तो इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 2 शिफ्टों में काम हो रहा है, डे में भी और नाइट में भी, बहुत फास्टली इसको जो है डेवलप। डेली की अपडेट अगर देखें, 2 दिन पहले की अगर आप अपडेट देखें उठा के, तो ये सारी चीज़ें इधर नहीं थी 2 दिन पहले, तो ये 1-2 दिन में ही हुआ। अभी नेक्स्ट ये इसके ऊपर ये इसका सारा जो लेंटर वगैरह डाला जा रहा है ये आ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर काम जारी है, फिर इसकी बैक साइड पर आप देख रही हैं कि ये सारे जो डगिंग हो रही है वो स्पीड के साथ है, ये नेक्स्ट जो पिछले 4-5 दिन के अंदर ये सारी डगिंग की गई है जो जितनी आप देख रही हैं, तो काम जो है 2 शिफ्टों में इधर जारी है। और मैं समझता हूँ कि ये टाइमली नहीं, टाइम से बहुत पहले इसको जो है वो अपने जो परचेजर है जिन लोगों ने लिया उनको डिलीवर कर दिया जाएगा। और जैसे कि मैं बात करूँ अगर ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो मेरी इन्फॉर्मेशन है
उसके मुताबिक जो है इसको ग्राउंड फ्लोर का जो पोजेशन है अप्रैल तक उसके ग्राउंड फ्लोर में कुछ एक दो जो बैंक्स की चेन आ रही हैं, कुछ उसके अलावा कुछ और चेन्स आ रही हैं जिनके साथ MOU साइन हुआ है, तो उनको जो है उधर हैंड ओवर ग्राउंड फ्लोर जो है वो अप्रैल तक उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो गैलेक्सी मॉल का प्रोजेक्ट है इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो अप्रैल तक जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुका होगा। बिल्कुल जी, हो चुका होगा इसका, और इसको जो है वो जितना आप ये देख रहे हैं तकरीबन इसका हाफ बनता है, हाफ के ऊपर इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो इतना एरिया है ये सारा पोर्शन जो है ये हैंड ओवर हो जाएगा जो जिस MOU के मुताबिक जो टाइम दिया गया है अप्रैल का उसमें। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब जी। तो ऐसी ही मज़ीद अपडेट्स के लिए हम आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। तो मज़ीद मालूमात या किसी भी किस्म की सेल परचेज़ के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।